दोस्तों आजकल इस प्रकार की इमेज का बहुत ही क्रेज चल रहा है। आप देखते होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे काफी सारे इसी प्रकार की इमेज हमारे सामने आती है। इस तरह की इमेज को हम बहुत ही इजीली तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, एक वेबसाइट है गूगल क्रोम पे जाके उस वेबसाइट को ओपन करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है हगिंग फेस। ये साइड एआई कंपनी, इस पे क्लिक करेंगे और जो पहली साइड है इसको हमें ओपन कर लेना है। इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और यहाँ से इल्यूजन डिफ्यूजन इस पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, या तो हम फोटो को ड्रैग कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मेरी एक फोटो है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना है 1 करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको अपनी इमेज को किस उसमें चाहिए वो यहाँ पे टाइप करना। बस आपको जैसे पेड़ पे चाहिए या पानी में चाहिए या रोड पे चाहिए विलेज में चाहिए। जैसे मैं इसमें विलेज विद ट्री ये मैंने इसमें टाइप कर दिया है और यहाँ लो क्वालिटी की जगह हाई कर देंगे और रन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना। जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर करेंगे इसको थोड़ा, यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग में चल पड़ी हमारी इमेज। यहाँ पे सेकंड, ये 62 सेकंड का टाइम है, 62 सेकंड में ये हमारी तैयार हो जाएगी इमेज। और हाँ एक चीज़ और है, अगर आपकी इमेज में एरर शो हो जाए, एरर कई बार आ जाता है साइट बिजी होने के कारण, तो एरर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे रन पे दोबारा क्लिक कर देना है। अगर एरर आए, 2-3 बार एरर आ जाए तो वो इसी तरह आपको रन पे क्लिक कर देना है और फिर से आपका ये फोटो प्रोसेसिंग में बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये 64 सेकंड इसका समय है और 41 सेकंड हो चुका है, देखते हैं अभी किस तरह की हमारी इमेज तैयार होंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से ये मेरी इमेज तैयार हो चुकी है ट्री के साथ में। और ऐसे तैयार होने के बाद आपको इसको सेव करने के लिए यहाँ एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज ये डाउनलोड हो जाएगी। और दूसरी इमेज को तैयार करने के लिए या पास्ट जनरेशन पर क्लिक करके इसको लॉग आउट करेंगे और फिर से ड्रैग ड्रॉप करेंगे या अपलोड करेंगे और उसी प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। यहाँ पे आप अपनी इमेज को किस तरह से रखना चाहते हैं वो देखेंगे। जैसे मैंने इसको माउंटेन विद ट्री पे सेलेक्ट किया है, क्वालिटी को हाई रखेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। ऊपर हमारी ये प्रोसेसिंग में चल पड़ी इमेज। आप देखेंगे यहाँ पे इमेज हमारी इस तरह से बननी स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ टाइम ले रहा है ये 28 सेकंड का। कुछ इमेज ऐसी है जो ज़्यादा टाइम ले जाती है और कुछ ऐसी है जो बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्टेप से 5, 6, 7 इस तरह से चलेंगे और हमारी इमेज कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही सेकंडों में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज हमारी यहाँ पे इस प्रकार से तैयार हो चुकी है। आपको इसमें फ़ोटो दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये फ़ोटो इसी के अंदर तैयार हुआ है। इसको पहले सेव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इस इमेज को, हल्की आंखें बंद करके फोटो को देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगी फ़ोटो, किस तरह से हमारी फ़ोटो तैयार हुई है। तो इस प्रकार से हम अपनी किसी भी इमेज को बहुत ईजिली तरीके से तैयार कर सकते हैं।